अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल विंटर स्पेशल रेसिपी लेके आई हूं। बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे तो चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए, मैंने 1/2 kg खजूर लिए हैं, इनकी सीड निकाल दी है। ये मैंने लिए हैं अखरोट और बादाम। ये डेट्स जो हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने जितना अखरोट और बादाम लिया है उससे 1/2 मैंने पिस्ता लिया है। ये मैंने 4 मगज लिया है और ये हमने काजू लिया है। ये हमारे पास देसी तिल है गांव का, ये तिल मैं ऐड करूंगी इसमें। और ये एक छोटी सी टिप्स आप लोगों को देना चाहती हूँ, ये तिल एक्चुअली बाहर रखो तो वेदर की वजह से या मॉइस्चर की वजह से इनका टेस्ट अजीब तरह का हो जाता है। तो इस तरह के मैं छोटे छोटे पैक बना लेती हूँ जिप लॉक बैग में और इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में डाल देते हैं। स्पेस भी कम लेते हैं और सेफ भी रहते हैं। और ये हमने देसी घी लिया है, तो देसी घी मैं आपको क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही हूँ कि कितनी डालनी है, क्योंकि मैं डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, इनको सौते करूँगी बिल्कुल थोड़े से घी में। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इनको किस तरह से फ्राई करना है वो मैं बताने वाली हूँ। ये देसी घी मैंने 1 teaspoon डाला है इसमें, और तो सबसे पहले इसमें हम काजू रोस्ट करेंगे इस तरह से, लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, क्योंकि काजू बहुत जल्दी हो जाते हैं तो इसलिए एक साथ नहीं डाल सकते। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 1 kg डेट्स के साथ में 1/2 kg आप ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, 1/2 kg बादाम, 1/2 kg अखरोट और 250 ग्राम 250 ग्राम ये पिस्ता ले सकते हैं। मैंने 200 ग्राम लिया है अराउंड सारी चीज़ें, और 100 ग्राम पिस्ता लिया है, और 50 ग्राम मैंने ये 4 मगज़ के बीज लिए हैं। ये देखिए बहुत जल्दी ये हो जाता है। इनका कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी आने लगी। अभी पता चल गया कि ये अच्छी तरह से सोटे हो गया है, फ्राई हो गया है। तो अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। कम घी में 1 tablespoon इसमें डाला था और 1 tablespoon इसमें डाला था, तो 2 tablespoon में ये फ्राई हो गया। ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत पूरा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा ठंडा करना है ताकि ग्रेट करने के टाइम पे, इसको ग्राइंड करने के टाइम पे मिक्सर में वो चॉपर में मुश्किल ना हो, वो हीट ना करे। और जिनके पास चॉपर नहीं है वो क्या कर सकते हैं, इसको एक जिप लॉक बैग में भर के और फिर बेलन से अच्छी तरह से इसको क्रश कर सकते हैं, और सेम वैसे ही हो गया। अभी हम चॉपर में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो गया है ये इस तरह से। ये 2-3 बार में हम करेंगे इस तरह से, और थोड़ी अभी हीट है तो हम इसे हटा देंगे ताकि ऊपर से इसकी हीट।
सारा मिक्सचर तैयार हो गया, सब मैंने मिक्स कर लिया। सीड हमने इसलिए नहीं पीसे थे, वो पीस जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए मैंने उसको नहीं डाला उसमें। बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हमने पीस लिए हैं, उसमें क्रश कर लिए हैं एक तरह से। अब हम इसमें तिल ऐड करते हैं। तिल तकरीबन मैं 50 ग्राम ऐड कर रही हूँ, और ये रोस्टेड हैं। अभी इनको ड्राई रोस्ट करना होता है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब ये डेट्स जो हैं ये हम इसमें डाल देंगे। ये डेट्स इसलिए मैं लेके आई हूँ, ये वाले, ये पीसना नहीं पड़ता है, ग्राइंड नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मिक्सर में ग्राइंड नहीं होते हैं, चॉपर में भी बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं होते, तो ये वाले मैं लेके आई हूँ। ये इस तरह से जब हम मसलते हैं तो अपने आप से ये देखिए पूरा क्रश हो जाता है। तो इसको हम जब इसमें मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ये सर्दियों में एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इस तरह से हम सारा मिक्स कर लेते हैं। सारा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम लड्डू बनाते हैं इस तरह से। तो सारे बना लेते हैं और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही आसान है, इनको बनाना बहुत ही आसान है, और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। आप इनको सर्दियों में बनाएं, 1 मंथ तक के आप इनको खा सकते हैं। अगर फ्रिज है तो आप 2 मंथ्स भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे, और बहुत ही हेल्दी तो होते ही हैं ये। कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई इसमें शुगर नहीं है, एकदम नेचुरल लड्डू हैं ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और इनको कोशिश करें शेप बहुत बड़ा नहीं देना है, मीडियम शेप में ही रखना है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। चलिए सारे बना।